नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और चर्चा आज सियासत के सुपर संडे की होगी। जी हां, प्रयागराज पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, बड़ी और अहम जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ गरीबों को आवास की सौगात देने वाले। सीएम योगी प्रयागराज में भूमि पूजन भी कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ माफिया बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद से खाली कराई भूमि पर गरीबों को आशियाना देने की तैयारी में। तोहफा देने आज संगम नगरी प्रयागराज में है सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम इसी भूमि पर भूमि पूजन करके पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले फ्लैट्स का शिलान्यास भी करेंगे। ये आवास पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बनाए गए हैं। 458 लाख रुपए की लागत से कुल 76 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। आपको ये बता दें, बाहुबली अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई 1731 वर्ग मीटर जमीन पर अब गरीबों के रहने के लिए घर तैयार हो रहा है। सीएम के इस दौरे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ ही साथ बीजेपी के अन्य कद्दावर दिग्गज विधायक भी मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं। तो लगातार हम अपडेट आपको प्रयागराज से दे रहे हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में आनंद राज जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। आनंद, क्या कुछ अपडेट? सीएम योगी आदित्यनाथ सियासत के सुपर संडे को परवान चढ़ाने के लिए प्रयागराज पहुंचे हुए हैं, और बात सबसे बड़ी ये, जिन बाहुबलियों के खात्मे का दावा बीजेपी करती है, आज उसी की जमीन पर भूमि पूजन भी है। बिल्कुल पूजा, देखिए आज प्रयागराज में जो यूपी गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट था खात्मा भू माफिया और बाहुबली, उसी नीति में आज प्रयागराज के बाहुबली अतीक अहमद की जो जमीन थी 1750 वर्ग गज जो सरकारी जमीन थी उसको प्रदेश सरकार ने छुड़ाया है, साथ ही उसपे अवैध निर्माण को लाया है। अब उसी भूल जो जमीन छुड़ाई गई है बाहुबली अतीक अहमद से, अब उस जमीन पर आम आदमी के आशियाने को बनाया जा रहा है। यानी एक आम आदमी का अपना घर होने का जो सपना है वह पूरा होगा। हम इस पर खड़े हैं जो प्रयागराज के सीएम का कार्यक्रम जाकर वहां उसी तरह जो पुलिस व्यवस्था की बात करें तो बहुत भारी बंदोबस्त किया गया है। और आज हम बता दें प्रयागराज में पीएम सीएम कई कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। दरअसल एक तो भू माफिया से जो जमीन छुड़ाई गई वहां पर भूमि पूजन, उसके बाद एक जनसभा को भी सीएम संबोधित करेंगे, उसके बाद वो केपी कायस्थ पाठशाला है वहां पर उनका अधिवेशन, वहां जाएंगे, और अब एक संगम पे गंगा आरती करने जाने की भी तैयारी है। ऐसे में सीएम का बड़ा कार्यक्रम है। सबसे बड़ी बात उस जमीन की भूमि पूजन है जिसपे कभी बाहुबली का कब्जा हुआ करता था। जी पूजा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद, अहम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। तो बात प्रयागराज की हुई है, रुखा अब कासगंज का करेंगे। जी हाँ, कासगंज में आज अमित शाह पहुंचे हुए थे। चाणक्य हैं बीजेपी के, और जब ये पहुंच जाएं तो समझ लीजिए बहुत कुछ होने वाला है। 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल कासगंज से फूकने के लिए गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। उनके साथ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री अर्जुन मेघवाल भी मौजूद रहे। कासगंज के पत्थर मैदान में हो रही जनसभा के मंच पर पहुंचकर गृहमंत्री ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने भाषण का आरंभ भारत माता की जय कहते हुए किया। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद किया। उन्होंने कहा, बाबूजी के बाद पहली बार कासगंज आया हूं, ये क्षेत्र भाजपा का था और भाजपा का ही रहेगा। यानी कि कार्ड कोई भी हो, भावनात्मक हो, आर्थिक हो या फिर जातिगत हो, हर कुछ आजमा लिया जाता है जब चुनाव दहलीज पर होते हैं। और ठीक ऐसा ही यहां पर एक दाव देखने को मिला। विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए नजर आए, इस बार भाजपा 300 के पार जाएगी, ये नारा दिया है। हालांकि पिछली बार भी 312 सीटें रही बीजेपी के खाते में, एक बार फिर से वही नारा दोहराया है। अमित शाह ने आगे कहा कि ये ब्रज की भूमि महावीर सिंह राठौर तुलसीदास की जन्मस्थली रही है। कल्याण सिंह ने पिछड़े कमजोरों का काम किया है, और ये भीड़ ये बता रही है कि यहाँ के लोगों में बाबूजी आज भी जिंदा हैं। जनविश्वास को जन समर्थन मिल रहा है। बुआ बबुआ की सरकार में सभी का विकास नहीं हुआ, सपा बसपा परिवारवादी पार्टियां हैं। हम कहते थे हम धारा 370 को हटाएंगे, ये हमें कहते हैं कैसे हटाओगे? अरे यूपी वालों ने पूर्ण बहुमत दे दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। ये कश्मीर भारत माँ का मुकुट बनी, आज भारत का अखंड हिस्सा बनकर पड़ा है।
उन्होंने 17 साल में 12 मेडिकल कॉलेज बनाए। कितने बनाए? जोर से बोलिए, कितना बनाया? हमने 5 साल में 30 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उनके समय में 17 साल में 1900 सीटें थी, आज 3800 सीटें है। कितनी है? तो विकास करना है तो कोई भी सपा या बसपा नहीं कर सकता, मगर दमखम के साथ बननी चाहिए। बताइए मुझे, 2022 में भाजपा 300 पार करेगी क्या? जोर से बोलिए, 300 पार करेगी क्या? पूरे ब्रज क्षेत्र में सपा का सुपड़ा साफ करोगे क्या? बसपा का सुपड़ा साफ करोगे क्या? भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? साहब दिल्ली से आए हैं, दिल्ली की खुमारी से निकल नहीं पाए हैं, इसलिए उनको मोहल्ले की सड़क से ज्यादा 370 याद आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और रक्षा प्रौद्योगिकी एवं परीक्षण केंद्र की लैब का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर कहा, आज का लखनऊ बस मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है तक सीमित नहीं है, अब लखनऊ में DRDO एक ऐसी ब्रह्मोस मिसाइल तैयार करेगा जिसे भारत की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। वहीं उन्होंने कहा कि योगी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने जो ही मैंने परियोजनाओं की स्थापना का जिक्र किया, क्षण भर की देरी नहीं की, तुरंत कहा यहां आइए और यहीं पर लैब लगाते हैं। बहनों भाइयों, हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं अथवा रक्षा के दूसरे हथियार और उपकरण बना रहे हैं, तो दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए हम नहीं कर रहे। भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे इस नतीजे पर पहुंचेगा कि भारत का चरित्र रहा है कि भारत ने न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न तो भारत ने दुनिया की किसी देश की एक इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। यह भारत का चरित्र रहा। हम तो हिंदुस्तान की धरती पर ब्रह्मोस इसलिए बनाना चाहते हैं, ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं तो लोगों के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं बनाना चाहते। हम इसलिए बनाना बैठ जाओ भैया हम इसलिए बनाना चाहते हैं भारत के पास ऐसी कम से कम ताकत हो, दुनिया का कोई देश यदि भारत की तरफ बुरी नजर उठाकर देखने की जरूरत न करे, इसलिए हम इस धरती पर ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं। विगत 7.5 वर्ष के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर किए गए वे ऑपरेशन जो सबके सामने हैं उनको देखा होगा। हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि नया भारत है, नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। और मुझे लगता है कि यह आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का, रक्षा क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर ही नहीं है बल्कि दुनिया के देशों के लिए हम लोग यहां से भी रक्षा और उन देशों की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक हो उस प्रकार का प्रोडक्शन भी करेंगे। तो यूपी में इलेक्शंस के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, यानी कि 2 महीने से भी कम का समय बचा है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत सभी दल पूरे जोश के साथ चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। इस बीच आज झांसी में कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन का आयोजन किया। आपको बता दें पहले यूपी की राजधानी लखनऊ में इस मैराथन का आयोजन होना था, लेकिन वहां आयोजन की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद कांग्रेस ने इस मैराथन का आयोजन शिफ्ट किया, शिफ्ट करके कहां पहुंचा? झांसी। झांसी कौन सी धरती है वो भी समझ लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई की धरती है जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए।
उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी सियासी दल चुनावी बिसात बिछाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। सभी सियासी दलों की नजरें उत्तर प्रदेश की 86 सुरक्षित सीटों पर टिकी हुई है। ऐसे में 22 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बहुजन समाज पार्टी का पूरा फोकस प्रदेश की सुरक्षित सीटों पर, बसपा सुप्रीमो मायावती की सुरक्षित सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। अब बसपा 26 से 31 दिसंबर तक प्रदेश की 6 सुरक्षित सीटों पर जनसभाएं करने वाली है। बसपा की ओर से प्रस्तावित इन रैलियों को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा संबोधित करेंगे। बसपा की पहली रैली का 26 दिसंबर यानी कि आज अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजन किया गया। पार्टी सुप्रीमो के निर्देश पर बसपा नेता इन सुरक्षित विधानसभा सीटों में रैलियां करके पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर राजनीति गर्माती जा रही है। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के भूसा भरने और नस्ते नाबूद कर देने वाले बयान को दिया था। आपको बता दें कि सपा जिला कार्यालय में हुए कार्यक्रम में सपा नेता रजत क्रांतिकारी ने पलटवार करते हुए कहा, अगर पानी सर के ऊपर हो गया तो जिस प्रकार भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बम फेंका था उसी प्रकार मुझे भी ऊपर से आदेश है। उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को चेतावनी देते हुए कहा, हम अगर अपने शब्दों में बह गए तो समंदर पूरा ले डूबेंगे। जहां योगी सरकार यूपी में रामराज की बात करती है तो वहीं बुलंदशहर के किशनपुर माजरा में दबंगों पर बुजुर्ग की जमीन कब्जाने का आरोप है। आपको बता दें कि पीड़िता को थाने समेत पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो उसके बाद पीड़िता ने वीडियो वायरल किया, सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई। बुजुर्ग महिला की सीएम योगी ने गुहार लगाने के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो दबंगों से जमीन पर कब्जा रुकवाने की अपील कर रही है, गिड़गिड़ा रही है। इस दौरान महिला ने दबंगों पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। तो समाजवादी इत्र की खुशबू कुछ फीकी पड़ने लगी है। कैसे? छापा पड़ा है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर मैराथन छापेमारी जारी। लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा जानकारी के हिसाब से छापेमारी के दौरान कन्नौज में कारोबारी पीयूष जैन के घर से बैग भर के 300 चाबियां मिली हैं। जानकारी यह भी मिल रही है कि पीयूष जैन ने एक ही कैंपस में 4 घर बनाए हैं। वहां एक तहखाना है। इस तहखाने को खोलने की कोशिश लगातार की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पीयूष जैन ने यहां से अब तक की छापेमारी में 257 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुका है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर में इनकम टैक्स और जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग की छापेमारी बदस्तूर जारी। कानपुर से 177 करोड़ की रिकवरी। अब कन्नौज के घर पर सबकी निगाह है। यहां से नोटों का कितना बड़ा जखीरा मिलेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर में इनकम टैक्स और जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग लगातार छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। जगदीश हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। कन्नौज से हमारे संवाददाता है जगदीश। इत्र की खुशबू कुछ फीकी पड़ती नजर आ रही है। कानपुर के बाद कन्नौज का नंबर। कन्नौज में इस वक्त भारी मात्रा में छापेमारी के दौरान लोट रह गया, जिसमें अभी तक कोई इनकम टैक्स वालों ने कोई जानकारी नहीं दी है। काफी मात्रा में सोना भी बरामद हुआ है। अभी इसकी जानकारी अधिकारियों ने नहीं पुष्टि की है इनकम टैक्स वालों ने, और काफी हड़कंप मचा हुआ है कन्नौज जिले में। काफी लोग इसमें बेचैनी बढ़ गई है छापेमारी के दौरान पूंजीपति होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जगदीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये इत्र कौन सा है जिसको बनाने से इतना पैसा बनता है? ये वो वाली मशीन तो नहीं कि आलू डालिए सोना निकलता है? इसका पता लगाना पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात देवभूमि की करते हैं। उत्तराखंड में सियासी घमासान के बाद अब सब कुछ ठीक हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए पहली किश्त के तौर पर 25 करोड़ रुपए अवमुक्त करने की रजामंदी दे दी। लिहाजा अब हरक सिंह रावत बीजेपी के साथ हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके छोटे भाई। ये खास रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड बीजेपी में अब सब कुछ ठीक है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के मंत्री पद से इस्तीफे की धमकी के बाद से डैमेज कंट्रोल में जुटी सरकार और भाजपा संगठन को आखिरकार 24 घंटे बाद हरक को मनाने में कामयाबी मिल गई है। दरअसल बीते दिनों कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के विषय को लेकर नाराज चल रहे हरक सिंह बीते दिन कैबिनेट की बैठक छोड़कर चले गए थे, लेकिन पार्टी और संगठन की ओर से लगातार दावा किया जा रहा था कि हरक की नाराजगी दूर कर ली गई है, लेकिन उनके मीडिया से दूरी बनाने और सामने न आने से तमाम तरह के संशय भी गहराने लगे थे। लेकिन बीती शाम करीब 7 बजे मंत्री हरक सिंह अपने करीबी विधायक उमेश शर्मा काऊ के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह रावत के साथ एक ही टेबल पर डिनर किया। बताया भी जा रहा कि इसी डिनर के दौरान कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ अवमुक्त कराने का आश्वासन देकर हरक सिंह की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह दूर कर दी, जिसके बाद हरक सिंह रावत ने बयान जारी करते हुए सीएम धामी को अपना छोटा भाई बताया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह चाहे युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, पर्वत क्षेत्र के दूर दराज के गांव के लिए हो, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। और पुष्कर भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, ये मेरा आशीर्वाद अपने छोटे भाई के साथ है। हमेशा उन्होंने साथ दिया है, चाहे मेरा बुरा वक्त जब भी मेरा बुरा वक्त रहा है, एक भाई के नाते चाहे मैं कांग्रेस में था चाहे मैं भाजपा में था, हमेशा एक छोटे भाई के रूप में हमेशा उन्होंने मेरे साथ दिया है, मैं उस चीज को कभी नहीं भूल सकता हूँ। इसलिए उनका एहसान है मेरे ऊपर, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाए, मेरे दिल से उस धारी माँ से, उस सिद्धवली बाबा से यही कामना है। हरक सिंह रावत ने कहा कि एक बार फिर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हरक इस बयान के बाद बीजेपी एक बार फिर एकजुट होकर विधानसभा चुनाव 2017 को दोहराने के लिए मैदान पर उतर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो अब सब कुछ ऑल इज वेल है और इस ऑल इज वेल के साथ शुरुआत हो चुकी है आगे के चुनावों की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजधानी देहरादून में गढ़वाल मंडल की 41 विधानसभा सीटों की समीक्षा कर रहे हैं। सुबह देहरादून पहुंचे भाजपा अध्यक्ष ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना, उसके बाद से लगातार बैठकों का सिलसिला बदस्तूर जारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें अन्य राज्यों से दो दो प्रवासी भी यहां पर मौजूद हैं। आदरणीय नड्डा जी ने जीत का मंत्र दिया है, बूथ जीता चुनाव जीता, ये मंत्र है। अब अपने बूथ पर किस प्रकार काम करना है, बूथ को मजबूती के साथ कैसे खड़ा करना है, चुनाव जीतने के लिए आवश्यक कार्य क्या क्या है, इस तरह की बहुत बड़ी लंबी चर्चा, लगभग 28 ऐसे बिंदु होते जिन पर चर्चा की। तो बूथ जीता चुनाव जीता का मंत्र नड्डा ने दिया है, साथ ही साथ कैसे आए शायद ये भी मंत्र दिया होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आयोजित बैठकों के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी का साफ तौर पर कहना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले मार्गदर्शन का चुनाव में काफी फायदा होने वाला है। अध्यक्ष ने सीधे जमीनी कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, जिससे सीधे तौर पर भाजपा को और मजबूती मिलने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये आज पूरे दिन भर का यहाँ का कार्यक्रम है और सुबह से ही जो है आज उनकी बैठकें यहाँ पर लगी हुई हैं। उन सभी बैठकों में जो हमारे विधानसभा स्तर पर काम करने वाले विधानसभा में पूर्णकालिक कार्यकर्ता, विस्तारक कार्यकर्ता, विधानसभा के प्रभारी, उनके सह प्रभारी और साथ में जो प्रवासी कार्यकर्ता है, उन सभी कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने चूँकि सभी का मार्गदर्शन किया है, सीधे सीधे नीचे जाकर बिल्कुल घर घर जाकर लोगों के बीच में जाकर हमारे सभी कार्यकर्ता काम करेंगे, सभी को उनका मार्गदर्शन मिला है। उनके मार्गदर्शन से निश्चित रूप से हमारे सभी कार्यकर्ताओं को प्रदेश